Hi friends, today we will discuss new topic, what is the difference between theory and practical. दोस्तों हम आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंसेस हैं, मींस कि अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल में किस तरह एप्लीकेबल करें। इसका दोस्तों एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, एक डिग्री का हम डिस्कशन करेंगे वो है एमबीए। एमबीए में डिग्री में आपने देखा होगा दोस्तों कि थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है और साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है। अगर मैं सिंपल बात करूं थ्योरेटिकल पोर्शन की, थ्योरेटिकल पोर्शन में आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल मैं बात करूं टीम मैनेजमेंट की या लीडरशिप की, तो लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज कैंडिडेट में हो या टीम मैनेजमेंट की क्या क्या क्वालिटीज हो, क्योंकि बिकॉज अगर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है हमें बट उसको प्रैक्टिकल में किस तरह एप्लीकेबल करना है वो टोटली डिफरेंस टास्क रहती है दोस्तों। तो हमें पहले ये जानना होगा कि थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल किस तरह करें। अगर मैं बात करूं एमबीए थ्योरी की बात करूं, हमने देखा होगा हम क्लासेस भी लगाते हैं, अलग अलग पोस्चर भी कवर करते हैं और इसमें कुछ टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूंगा जैसे टीम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया और मोटिवेशन हो गया। तो इसको हम प्रैक्टिकल में किस तरह लेकर आए, थ्योरेटिकल में हमें ये क्लियर है कि किसका मीनिंग क्या रहता है, टीम मैनेजमेंट है कि मैं टीम को किस तरह अच्छे से लीड कर सकता हूँ, लीडरशिप की मतलब है तो लीडरशिप मीन्स कि यार मेरे पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए कि मैं अपने जो सबॉर्डिनेट है उनसे अच्छा काम करवा सकता हूँ। और इसके बाद मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि किस तरह अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें कि वो अपना काम अच्छे से करें और अपना अच्छा काम करेंगे तभी हमारी कंपनी की टास्क को अचीव कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा जो इसमें कंसेंट है दोस्तों कि थ्योरी है, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल में किस तरह एप्लीकेबल करें। दोस्तों थ्योरी में हम अलग अलग टॉपिक करते हैं, एमबीए में बात करूं मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो हम डिस्कस करते हैं 2 इयर्स एमबीए कोर्स में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में किस तरह लाना है। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप है एक टॉपिक, लीडरशिप में आपने देखा होगा दोस्तों हमारी एमबीए करते हैं, एमबीए में हमारी इंटर्नशिप रहती है, वो इंटर्नशिप रहती है 1.5 मंथ, 1.5 मंथ में या 2 मंथ मैक्सिमम लगता है दोस्तों। उसमें हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना होता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में क्या होगा, हम किसी भी XYZ कंपनी में जाएंगे और उस कंपनी में एज ए इंटर्न्स वर्क करेंगे। वहाँ पे हमें देखना होगा कि प्रैक्टिकल क्या कल्चर है उस कंपनी का, किस तरह हम कौन सा काम प्रैक्टिकल एप्लीकेबल कर सकते हैं। हमने लीडरशिप पढ़ा, मोटिवेशन पढ़ा, टीम मैनेजमेंट पढ़ा, टाइम मैनेजमेंट पढ़ा, तो इसमें किस तरह हमने एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल में मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें एक टीम दे दी, किसी भी कंपनी ने एक टास्क दिया स्पेसिफिक कि आपको अपनी टीम से काम करवाना है, उनको मोटिवेट करके अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इंक्रीज करके, और एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको ये टाइम कंप्लीट या ये टास्क कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों है कि थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में भी एप्लीकेबल हमें करना आना चाहिए। तो तभी हम कहते हैं कि जो थ्योरी पोर्शन है वो टोटली डिफरेंट है प्रैक्टिकल पोर्शन से, और प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज अगर मैं एमबी की बात करूँ, थ्योरी पोर्शन से हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं लेकिन जब तक हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा तो हम एक अच्छी जॉब नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जब भी हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करें, प्रैक्टिकल वर्क करें, तो एमबीए हमारी प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। ऐसा ना कि सिर्फ हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करके अपनी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा हमारा सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिल पाएगा, हमें किसी अच्छी कंपनी में हमारी ज्वाइनिंग या सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना भी जरूरी है। प्रैक्टिकल लेंगे तभी वो हमारी जॉब में अपॉर्चुनिटीज में वो फेवरेबल बन जाएगा अगर हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ हमने टॉपिक इसमें डिस्कस की, क्या टॉपिक हो सकते हैं जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं और किस तरह वो हम प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का आपका मेरा टॉपिक कैसा लगा, आप इसको मैक्सिमम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आपने दोस्तों मेरा लेक्चर सुना, इसके लिए धन्यवाद।